मरियोपोल पर कब्जे की जंग के दौरान बंधक बनाए गए कम से कम 53 यूक्रेनी युद्धबंदी यूक्रेन की गोलीबारी में मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशाकोव ने कहा कि यूक्रेन की ओर से रूसी नियंत्रण वाले डोनेट्स क्षेत्र में ओलनेविका कस्बे की एक जेल पर रॉकेट दागे गए जिसमें 75 यूक्रेनी युद्धबंदी घायल हुए। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास हुआ जब मुंबई से गांधीनगर जा रही ट्रेन के सामने बैल आ गया। टक्कर से ट्रेन के आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर रवाना कर दी गई। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को BSF के जवानों ने ढेर कर दिया। घुसपैठिया जीरो लाइन से लगभग 250 मीटर तक भारतीय सीमा में आ गया था। सुरक्षा बलों के रोकने पर भी जब वह नहीं रोका तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी, इसमें वह मारा गया। सरकार ने शक्कर यानी चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमत को देखते हुए 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था। कीमतों में यह बढ़ोतरी शक्कर के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के बाद हुई थी। बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 7 पुलिसकर्मी समेत 30 लोग झुलस गए हैं, इनमें से 10 की हालत गंभीर है। हादसा शुक्रवार की रात 2:30 बजे हुआ। मोहल्ले के लोग आग बुझाने में जुट गए। इसी बीच गश्ती कर रही पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। आग बुझाने के लिए जैसे ही पुलिस वालों ने सिलेंडर पर पानी डाला उसमें ब्लास्ट हो गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1626 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2121 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 9 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 63.50 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 65 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.88 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कीनिया में हुए कत्ल की गुत्थी उलझती जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इशारे इशारों में फौज और खासतौर पर खुफिया एजेंसी ISI पर शरीफ की हत्या का आरोप लगाया था। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्डे को कंपनी से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर तीनों अधिकारियों पर हर्जाने के तौर पर कुल $100 मिलियन यानी 823 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में देश में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 6 नवंबर से मध्य भारत तक दिन में ठिठुरन महसूस होगी। अगले 4 महीने पहाड़ी राज्यों से भारत तक के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। इस समय उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक ड्राई नॉर्थ वेस्ट की हवाएं चल रही हैं।